खड़ा हूँ, मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये है गोदावरी नदी जो उफान पे है और जिसने एक रुद्र रूप जो है वो धारण किया है। अगर हम बात करें पंचवटी इलाके की तो यहाँ पे 30 से 35 हज़ार लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थल पहले ही हटाया गया था, जब से सरकार ने या हम कहें कि स्टेट डिजास्टर फोर्स ने वार्निंग दी थी कि यहाँ पे पानी या जल स्तर बढ़ सकता है गोदावरी का, क्योंकि बारिश बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। दूसरा उसमें ऐसा है कि गंगापुर डैम जो महज 15 किलोमीटर दूर पे है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से उसका पानी जो है वो छोड़ा जाता है कि जब गंगापुर डैम ओवरफ्लो होता है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इसका जल स्तर बढ़ा है। आज सुबह से इतनी बारिश नहीं हुई क्योंकि आज भी रेड अलर्ट दिया गया था नासिक को और कहा यही गया था कि अगर आज पूरे दिन बारिश होती है तो जल स्तर और बढ़ सकता है और ये पानी जो पंचवटी इलाके में है वो और ज़्यादा अंदर शहरों में घुस सकता है और तबाही मचा सकता है। लेकिन अभी तक ये पानी फिलहाल इसी इलाके में घुसा है, नासिक शहर में नहीं घुसा है। नासिक शहर में यातायात ठीक है और लोगों को जो इस एरिया में रहते हैं पंचवटी में, उन लोगों को कल या परसों में ही जो है दो दिन में उन्हें सुरक्षित घटनास्थल पे ऑलरेडी मूव किया था स्टेट फोर्सेस ने। बोलिए जी बिल्कुल नहीं, नासिक के आसपास के अगर हम एक दो गांव देखें तो उन गांव में पानी है लेकिन संपर्क टूटा नहीं है, क्योंकि वो लो लाइंग इलाके में कुछ गांव आते हैं वहां पे पानी, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं टूटा है। मुंबई में पिछले कुछ घंटों की हो रही बारिश की वजह से फिर एक बार मुंबई की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मुंबई के साइन इलाके में हूँ जहाँ पर तकरीबन 2 फीट तक पानी भर चुका है और यह पूरा रास्ता जो है वो जलमय हो चुका है। इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही एक तरह से पूरी तरह बंद कर दी गई है, तो वहीं आज लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करके यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। 5 मिनट के रास्ते के लिए जो समय लोगों को लगता था यहाँ से गुजरने के लिए, वो अब तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय लोगों को लग रहा है। आसपास की दुकानें जो हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं और साथ ही जो बिल्डिंगें हैं वहां तक पानी चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। आप जैसे देख सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहां से करना पड़ रहा है। ये रास्ता जो है ये मुंबई को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, लेकिन फिलहाल इस रास्ते की स्थिति वैसी ही है जैसे हर साल बरसात में देखने को मिलती है। प्रशासन की ओर से काफी इंतजाम किए जाते हैं लेकिन वो इंतजाम कहीं तो कम पड़ रहे हैं, ऐसा फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो बता रही है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। मैं अपने कैमरामैन सुभाषीष जी से कहूंगा कि आप दिखाएं दृश्य में कि किस तरह से पुलिस ने अब बैरिकेड लगा दिया है, गाड़ियों को यहां से आने नहीं दिया जा रहा है और जो गाड़ियां यहां पे आ चुकी हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। यहां कुछ ही दूरी पर कॉलेज और स्कूल है, वहां के विद्यार्थियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसी साल नहीं हर साल की यही दशा होती है और इस का खामियाजों जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। प्रशासन की ओर से काफी प्रयास किए जाते हैं कि जल जमाव ना हो, लेकिन मुंबई की बारिश ही ऐसी है और मुंबई एक निचला इलाका माना जाता है जिसकी वजह से ये जल जमाव जो है वो हर साल आम बात हो जाती है। कैमरामैन सुभाषीष धाम के साथ दीपेश त्रिपाठी, टीवी। जो अहमदाबाद के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 से 6 साल में पहली बार उन्होंने इतनी बरसात देखी है कि उनके घरों के अंदर पानी घुस जाए और इस तरीके से पार्किंग लॉट के अंदर पानी घुस जाए। और अगर बात करें मौसम विभाग की तो अभी भी 4 दिन का रेड अलर्ट अहमदाबाद के अंदर घोषित किया गया है। आसमान आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कैमरा में निशांत आपको दिखाएं, अभी भी बादल छाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद अहमदाबाद में दोबारा से मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसको लेकर NDRF, इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो और साथ ही SDRF, तमाम जितने भी विभाग हैं उनकी टीम इस वक्त जुटी हुई है कि जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरे तरीके से किया जा सके, उसके लिए पूरे प्रयास इस वक्त अहमदाबाद के अंदर किए जा रहे हैं। जी हम इस वक्त अहमदाबाद के शामल चारस्ता के संजय टावर के अंदर मौजूद हैं। दरअसल ये एक रेजिडेंशियल सोसाइटी और देख सकते हैं यहाँ जो बेसमेंट है, बेसमेंट में भारी बारिश के बाद तकरीबन 13 से 14 फीट तक पानी भर गया था। हालांकि पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और अभी भी जो पानी है वो 10 से 12 फीट तक यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। गाड़ियाँ, ये जो बेसमेंट है इसके अंदर अभी भी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तकरीबन 10 घंटे की बारिश और 10 घंटे की बारिश के बाद अहमदाबाद में जितने भी इस तरीके की जितने भी टावर थे, जो रेजिडेंशियल टावर थे, उनकी जो पार्किंग थी जो बेसमेंट में खास तौर से बनी हुई थी, उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जो गाड़ियाँ अंदर थी वो अंदर के अंदर ही
फंसी रह गई। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये बेसमेंट के अंदर यानी कि पार्किंग लॉट के अंदर जाने का रास्ता है और ये पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। अंदर जो गाड़ियां हैं वो जस की तस अभी भी यहां पर फंसी हुई हैं। सोसाइटी के लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कैसे हुआ ये सब, कितनी बारिश आई आप? अरे बारिश जबरदस्त हुई सर, 7 घंटे से 2 बजे रात तक की बारिश हुई है। उसी में जो कुछ लोग गाड़ी निकाल पाए हैं, खींच के आधा घंटे का मौका मिला है, इसके बाद मौका ही नहीं मिला। कोशिश बहुत की गई, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई, सब वहीं की वहीं फंसी रह गई। तो भी कैसे निकलेगा, अभी भी कितना पानी है यहाँ पर? अभी सर इसमें करीब 8-10 फीट पानी भरा हुआ है, अभी निकला ही कितना है, 6 फीट निकला है जी। तो यानी कि 14-15 फीट पानी भरा हुआ था? हाँ हाँ, बराबर लभालभ एकदम पूरा। बेस में गाड़ी अंदर कितना नुकसान हुआ है? गाड़ियाँ सर करीब 15, जनगणना नहीं की गई, इतना व्यस्त था आदमी कि कुछ नहीं कर पाया है, फिर भी 15 से 20 गाड़ी अभी भी फंसी हुई है, और सब महंगी महंगी गाड़ी फंसी है। 15 से 20 गाड़ी अभी भी फंसी हुई है। आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है पूरी की पूरी पार्किंग लॉट। और मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए, ये दरअसल पूरी सोसाइटी है और इस सोसाइटी के अंदर कल पानी इस कदर भर गया था कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14 फीट तक पानी पूरे तरीके से भर चुका था। कोशिश करेंगे एक बार पार्किंग लॉट की तरफ जाने की, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो जीने का रास्ता है। अगर यहाँ से जाएंगे तो आप ये देखिए, यहीं से आपको पानी दिखना शुरू हो जाएगा और नीचे जाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है। और अभी भी बताया जा रहा है कि काफ़ी गाड़ियाँ अंदर अभी भी यहाँ पर फंसी हुई हैं। मैं चाहूँगा कैमरा निशांत आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो सामान अंदर रखा हुआ था पार्किंग के अंदर, जो पार्किंग लॉट के अंदर, अब वो तैर कर बाहर की तरफ आना शुरू हो चुका है और जो गाड़ियां हैं वो अभी भी अंदर फंसी हुई हैं। ये देखिए स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स आधी से ज़्यादा अभी भी डूबी हुई हैं। ये देखिए, ये जो रूफ़ है ये पार्किंग का रूफ टॉप है और ये देखिए, ये पूरे तरीके से बामुश्किल 2 से 3 फीट का फ़र्क है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए तकरीबन अभी भी 8 से 10 फीट के करीब पानी अंदर भरा हुआ है। जो गाड़ियां हैं ये देखिए, ये कार आप देख सकते हैं, ये कार अभी भी यहां पर डूबी हुई देखी जा सकती है। और इसी तरीके से काफ़ी संख्या में अंदर अभी भी गाड़ियां हैं जो पूरे तरीके से यहां पर जलमग्न हो चुकी हैं। काफ़ी नुकसान यहां पर हुआ है और ये जो पूरी पार्किंग लॉट है ये पूरे तरीके से अभी भी डूबा हुआ है। और ये सिर्फ संजय टावर ही नहीं बल्कि अहमदाबाद के कई ऐसे टावर हैं जो रेजिडेंशियल टावर हैं जहाँ अभी भी पानी जस का तस भरा हुआ है। कोशिश की जा रही है जो मोटर पंप है उसके ज़रिए किसी तरीके से पानी की निकासी की जा सके ताकि जो नुकसान हुआ है उसको बचाने की कोशिश की जा सके। और अभी भी आज भी अहमदाबाद के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए चाहे NDRF हो, चाहे SDRF हो या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर भारी बारिश होती है तो इस तरीके के जो हालात पैदा हुए अब वो हालात पैदा ना हो पाए। कैमरामैन निशांत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9। पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इस बारिश की वजह से जो तस्वीरें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। हम राजधानी भोपाल की शाहपुरा झील के पास है और यहाँ पर जो पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनी हुई थी वो पूरी तरह से टूटी हुई है और ये वाटर बॉडी फुल हो चुकी है। अब ऐसे में सड़क पर पानी कल भी आया था और आगे भी पूरी संभावनाएं हैं कि जैसे ही तेज बारिश होगी झील का पानी सड़क पर आ जाएगा और आवाजाही पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। जाहिर है कि जो भोपाल की वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से लबालब हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी बारिश में पानी सड़कों पर आ जाता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। 1 तारीख से अभी तक 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और औसतन अगर देखा जाए तो हर रोज लगभग
416 mm बारिश हो रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा आम आदमी को क्यों भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो सड़कों पर पानी भरना तय है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले टीवी ने। गुजरात में रविवार से हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो चली है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हो चुकी है और कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। उनमें से एक जिला ये नवसारी है। इस वक्त मैं नवसारी में एक हाईवे पर खड़ा हूं और ये रास्ता सूरत से नवसारी के अंदर शहर की तरफ जाता है। ये यहां से शहर की शुरुआत होती है, लेकिन हाईवे पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये हाईवे यहां पर करीब 3 से 4 फुट पानी भरा होने की वजह से इस वक्त पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अगर शहरों की और गांवों की बात करी जाए, स्टेट हाईवे की बात करी जाए, तो लगभग 300 सड़कें ऐसी हैं जो पानी से लबालब है और इस वजह से ये 300 सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की लगभग 18 टीमें इस वक्त गुजरात में काम कर रही हैं। बचाव काम काफी तेजी से किया जा रहा है। लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और इतना ही नहीं, पूरा जो शहर में मकान है वो लगभग आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नवसारी में घुसने का ये पूरा रास्ता है, बिल्कुल शहर के बॉर्डर की बात करें तो हर तरफ आपको सिर्फ पानी और पानी ही नजर आएगा। और यही वजह है कि ये जो स्टेट हाईवे की तरह से ये रास्ता जाता है नवसारी में घुसने का, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है पानी की वजह से। और नवसारी का संपर्क एक तरीके से कहें तो सभी जगह से कट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले में सीएम से बात करी थी और आपको ऐसे कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो यहाँ इस इलाके में रहते हैं। ये बताइए, आप बताइए कि अभी क्या हालात है? लगातार बारिश है पिछले 2 दिन से, नवसारी में क्या हालात है? नवसारी पूरा डूबा हुआ है। आप नवसारी में ही रहते हैं? नवसारी में ही रहते हैं। अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ तो पानी अंदर तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे ही रुकेंगे। अभी यहाँ पे अभी रिश्तेदार के वहाँ चले जाएंगे। रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे? आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। खाने पीने की क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि घरों के बाहर निकलने में तो 5 फुट 4 फुट पानी भरा हुआ है। वो तो एनडीआरएफ की टीम और ये जो सब आ गए है यहाँ पे और पूरा जो ये फिर बाद में जो संस्था है वो सब खाने पीने का व्यवस्था कर दिया है और गुजरात गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो नवसारी का इलाका है सबसे ज्यादा गुजरात में बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका है, क्योंकि यहां से ऊपर की तरफ सपुतला का इलाका है जिसको कहा जाता है कि ये गुजरात का चेरापूंजी है, जहां पर जबरदस्त बारिश हुई और जो पानी था वो सीधा नीचे की तरफ आया और यही वजह है कि गुजरात के इस नवसारी इलाके में पूरी तरीके से पानी पानी है, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। शहर के अंदर स्टीमर चल रही है, बोट चल रही है, नाव चल रही है और आप देखिए कि जो स्टेट हाईवे है यहां पर किसी तरीके से 1-2 वाहन तो निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जो हाईवे है ये बंद हो चुका है। लोग जो जाना चाहते हैं, आपको दिखाते हैं, नवसारी के अंदर घुसना चाहते हैं, इस तरीके से गाड़ियां यहां पर आने के बाद रुक जा रही हैं, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं।
We'll be right back.